गुड मॉर्निंग सुप्रभात। अभी हम पहुंच रहे हैं सुईगाम और रोड की हालत मैं आपको दिखा दूं थोड़ी। ये रोड की हालत है और ये अपनी स्पीड है और ये अपने उस्ताद जो कि आज जा रहे हैं घर पे। हाँ, नींद आ रही है यार, ये तो ओवर एक्टिंग हो रही है। ये बंदा जा रहा है घर पे क्योंकि रमजान महीना स्टार्ट हो गया है, इसलिए इसको जाना है घर पे और इसकी शादी भी है शायद लगभग। हाँ, इससे पहले मैं बाहर ना निकालूं। तो फिर शादी कब है तेरी? शादी अभी इसके बाद, एक महीने के बाद। अभी 15 दिन में महीना हो गया। अरे यार, ये आ गया त्योहार, इसीलिए होगा भाई इसकी शादी ना। ये जब से आया है तब से बोल रहा है 15 दिन करके, 3 महीने हो गए इसको गाड़ी में आए हुए और अभी पता नहीं, और बोल रहा है 1 महीने के बाद, मतलब 15 दिन में 3 महीने निकल गए। 1 महीना बोल रहा है, 6-7 महीने और निकल जाएंगे शायद। और जब इसकी शादी पे कोई कमेंट करता है ना हमेशा कि भाई तुम्हारी शादी इस बार तो पक्का होगी नहीं, तो ये इतना गुस्सा हो जाता है ना भाई, क्या ही बोले इसको भाई, तेरी शादी नहीं होने वाली है पक्की बात है, हमारी होने वाली भाई। क्यों यार परेशान, इस जन्म में तो नहीं होगी, अगले जन्म में होगी। अगले भाई बोलो है कुछ भी करके कर लेंगे, लास्ट में कलकत्ता से लेके आएंगे, लेकिन करेंगे जरूर। और भाई ये अभी हम पहुंच चुके हैं थराज। चाचा रुक जा थोड़ी देर। अभी हम आ चुके हैं 6 लाइन के ऊपर और आसम अभी सो गया है, चल रहे हैं साचौर पार करके राम जी के गोल पहुंचेंगे, वहां पे आसम चला जाएगा वहां से घर और फिर अपन अकेले ही है इस चक्कर, तो अकेला ही चलना है, अगले चक्कर देखते हैं। फाइनली भाई हम एंटर हो चुके हैं राजस्थान में और साचौर बॉर्डर भी पार कर लिया है, वो पीछे जाम लगा हुआ है चेक पोस्ट पे। अब चलते हैं आगे। और भाई ये अभी हम आ चुके हैं साचौर। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और हम हैं राम जी के गोल में। यहाँ पे नाना धोना अपना हो चुका है और खाना भी खा लिया है और अब यहाँ से निकलेंगे कुछ समय के बाद। अभी भाई हम राम जी के गोल है और यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं। क्या चाहिए? चाहिए। अब भाई यहाँ से निकल रहे हैं और आसम वो जा रहा है। अभी भाई यहाँ पे गर्मी काफी ज्यादा लग रही है, 3:30 बज रहे हैं, अभी तक मौसम बहुत ही ज्यादा गर्म है यहाँ पे। अभी तो गर्मी के सीजन में तो भाई यहाँ पे गाड़ियों का बुरा हाल हो जाएगा भाई। मैं अभी वीडियो बनाते हुए ही आ रहा था लेकिन अभी सामने यहाँ पे आरटीओ आ गया, जैसे ही मैंने फोन को नीचे रखा तो उन्होंने गाड़ी तो वापस घुमाई तो है मेरे पीछे, लेकिन अभी पता नहीं वापस कितने तक आएंगे, पीछा करेंगे। अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट सभी ओके हैं और माल भी आर्मी का भरा हुआ है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। पीछे आएंगे तो वो तो अपना घर चलाने के लिए 100 रुपये लेते ही है, हर किसी से मांगते ही है, वो तो सुबह सुबह आ जाते हैं मांगने के लिए, रोड पे खड़े रहते हैं। अभी हमें यहाँ पे सिंदरी में और अपनी गाड़ी में हॉर्न लग रहा है, हॉर्न लगा रहे हैं नया, बजेगा कैसा पता नहीं, लगा के देखते हैं, साउंड चेक करेंगे। ये दुकान है, यहाँ से हॉर्न खरीदा है अक्सर। फाइनली भाई सुरेंद्र से हम निकल चुके हैं, कर दिया है अपना सफ़र कंटिन्यू और काफ़ी लेट भी हो चुके हैं। इस टाइम हमें बालोतरा पार करके कल्याणपुर के आसपास इधर कहीं होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह पे अभी सुरेंद्र से निकले हैं क्योंकि जो हॉर्न लगा रहे थे ना उसको काफ़ी लेट हो गया, तो अभी लेट तो हो ही गए, वैसे भी निकल गए
अभी करते हैं अपना सफर कंटिन्यू, और भाई जोधपुर पार कर लेना है कुछ भी करके, क्योंकि जोधपुर पार हो जाए ना तो सही है, सिटी के बीच से चलेंगे। अगर भाई बाईपास से चलेंगे ना तो यहीं पे टूट सकते हैं, डब्बे टूट सकते हैं, इसलिए यहीं से सिटी के अंदर से चलने की कोशिश रहेगी। एक कंपनी में लोड करने गया था तब भी बिल्कुल नहीं सोया था, मतलब सोया था ना के बराबर, 2 घंटे ही सिर्फ सोया था, उसके बाद में पूरा दिन जाग रहा था। फिर रात को हम लोड करके मैं आया था, सामिखियाड़ी आसम आया था, फिर आसम ने गाड़ी चलाई और मैं सो गया था। करीब 2 बजे मैं सोया था और 5 बजे वापस मेरी नींद खुल गई थी, और उसके बाद में आगे पुलिस वालों ने हमको रुकवाया था, तो पुलिस वालों से थोड़ी बहसबाजी हो गई, बाद में वहाँ से निकले, फिर मैं वापस सो गया, लेकिन फिर मेरे को नींद ही नहीं आई। और अभी भाई दिन को भी नहीं सोया हूँ और सफ़र भी काफ़ी बाकी है, अभी भी अपना यहाँ से 1000 किलोमीटर प्लस है, मान लो 1000 तो पक्का है ही है, 1000 किलोमीटर अपने को काटने हैं। और भाई माल भी रिक्शा वाला ही है, तेल लोड किया हुआ है तो रिक्शा भी रहता है, लीक वीक ना हो जाए, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आध दो जब भी कूद गई गाड़ी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भाई इसमें तो गाड़ी भी नहीं कूदा सकते हम, गलती से भी कूद गई गाड़ी तो भी दिक्कत हो जाएगी। और ये सीधी रोड जा रही है फलोदी बीकानेर के लिए, और राइट साइड में जाएगी जोधपुर के लिए, लेफ्ट साइड में रोड जाएगी बाड़मेर के लिए। भाई कल्याणपुर पार करके आ चुके हैं आगे रामदेव पैलेस होटल पे, अक्सर यहीं पे खाना खाते हैं हम, अब खाते हैं यहाँ पे खाना। जोधपुर अब यहाँ से करीब 35-40 किलोमीटर जितना है, पहले खाना खाते हैं उसके बाद देखते चलेंगे या सो जाएंगे, क्योंकि नींद भी काफ़ी आ रही है, और वैसे भी कल अपनी गाड़ी खाली नहीं होगी, नहीं ज़्यादा खींचने का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन रात रात में सफ़र निकल जाए ना तो सही है, क्योंकि रात को एंट्री कम लगती है, दिन में एंट्री ज़्यादा लगती है राजस्थान में। भाई अभी हम पहुंच चुके हैं जोधपुर बोरानाड़ा, और अब चलेंगे यहाँ से सिटी के बीच से। अभी हम पहुंच चुके हैं बासनी ट्रांसपोर्ट नगर में, और आगे चलेंगे हम राइट साइड में, फिर वहाँ से चलेंगे सीधा। आज रस नहीं है, बताएं क्या है, बिल्कुल रस है ही नहीं। अभी जोधपुर सिटी से बाहर निकल आए, ये बस कुछ हिस्सा जो है नो एंट्री में नहीं आ रहा है, वो वाला हिस्सा है। ये रोड जाएगी अब सीधा यहाँ से हिसार तक, इसी रोड पे चलना है अपने को, और यहाँ से अपना सफ़र है अभी 780, मतलब 800 किलोमीटर मान लीजिए, 800 किलोमीटर अपना सफ़र है, और अभी रात को 2 बज रहे हैं और नींद भी आ रही है। सोच रहा हूँ गाड़ी कहीं पे साइड में लगा के सो जाता हूँ थोड़ी देर, 2-4 घंटे नींद ले लेते हैं।